आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास प्रोग्राम भोजपुरी टॉप फाइव। जी हाँ, भोजपुरी टॉप फाइव के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि आपके सुपरस्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वो खास खबरें हम कोशिश करते हैं, जी हाँ, हर रोज की कुछ खास जानकारी, कुछ खास बातें हम आपको अपने इस प्रोग्राम के द्वारा आप सभी को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खबरों से आप सभी को रूबरू करवा सके। फिलहाल तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर की। मैं आपको बताने वाली हूँ आज सबसे पहले हमारे भोजप्रिय राजा पवन सिंह से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, हाल ही में खेसारी लाल यादव की फिल्म दबंग सरकार से एक नई हीरोइन ने एंट्री की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आकांक्षा अवस्थी की। आकांक्षा अवस्थी ने आते के साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग ही तरीके का तहलका मचा दिया है, और वो तहलका की शुरुआत की उन्होंने हमारे भोजपुरी राजा पवन सिंह के नाम से। जी हाँ, आकांक्षा ने पवन सिंह को लेकर कुछ बयान दिया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है। वहीं हमारी अगली खबर है, जी हाँ, हमारे खेसारी लाल यादव की फिल्म दुल्हन गंगा पार का ट्रेलर रिलीज़ किया गया। वही ट्रेलर रिलीज़ हुआ, दर्शकों को पसंद आया, दर्शकों की तरफ से उसे प्यार खूब मिला, पर अचानक से खेसारी लाल यादव के ऑफिशियल चैनल से उस जो फिल्म का ट्रेलर था उसे डिलीट कर दिया गया है। कहा गया है कि खेसारी लाल यादव ने किसी गाने को चोरी करके अपने उस ट्रेलर में दिखाया है। खैर, आगे क्या सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर है, जी हाँ, अगली खबर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलेन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रही हूँ अवधेश मिश्रा। अवधेश मिश्रा को अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए गए थे, जहां पर उन्हें कहा गया है कि वहां की औरतों ने उन्हें उनकी चप्पलों से पिटाई कर दी है, बिल्कुल। बट ये खबर कितनी सच है, किस तरीके से आप सभी तक बताया गया, ये हम आपको बताएंगे। तो वहीं अगली खबर है, जी हाँ, हमारी अगली खबर है हमारे देसी हीरो यानी कि खेसारी लाल यादव से जुड़ा हुआ। खेसारी लाल यादव की इस साल की सबसे बड़ी फिल्म दबंग सरकार है, ये बात सभी को पता है। लेकिन उसी के साथ अब कहा ये जा रहा है, खबर ये आई है कि खेसारी के इस फिल्म के जितने भी गाने हैं वो काफ़ी महंगे में खरीदे गए हैं। जो चैनल इस गाने को रिलीज़ करेंगे उन्होंने काफ़ी महंगे दाम पर इस गाने को खरीदा है। वहीं अब हमारी अगली और आखिरी खबर है, जी हाँ, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव और उनके साथ जुड़ी फिल्म हमसफर उनकी आम्रपाली दुबे। जी हाँ, इन दोनों को हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा हुई है, जहां ये दोनों नेपाल के मंदिर गए हुए हैं, और ये दोनों का कहां पर किस तरीके का शेड्यूल चल रहा है, क्या शूटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दर्शकों के बीच साझा की है। तो उसी के बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए भोजपुरी की 5 बड़ी खबरें विस्तार से। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल के साथ हाल ही में छोटे पर्दे की एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की है। फिल्म दबंग सरकार से और अपनी फिल्म से शुरुआत करने के बाद फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन तब तक आकांक्षा अपने इंटरव्यू में से फेमस हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी के बारे में आकांक्षा ने वैसे तो बहुत कुछ पहले ही बता चुकी हैं, लेकिन अब उनसे पूछा गया कि क्या वो आगे चलकर पवन के साथ काम करना चाहेंगी, तो आकांक्षा ने कहा कि मैं सुपरस्टार के नाम से नहीं, कहानी और फिल्म के कॉन्सेप्ट देखकर ही फिल्म करना चाहूंगी। जी हाँ, जहाँ हर कोई पवन के साथ काम करने के लिए तरसता है, तो वहीं आकांक्षा ने बिना सोचे समझे कह दिया है कि मैं सुपरस्टार और स्टारडम देखकर नहीं, कहानी जानने के बाद ही फिल्में करूंगी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में से अश्लीलता को हटाना चाहती हूँ। वेल, इंडस्ट्री में आप अच्छी सोच तो लेकर आ गई हैं आकांक्षा जी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आप अपनी सोच पर अटल रहती हैं या नहीं। भोजपुरी की मोस्ट अवेटेड फिल्म दुल्हन गंगा पार के काफी समय से चर्चाओं में बनी हुई थी। दर्शकों को इस फिल्म का इंतजार पिछले एक साल से था, जो खत्म हुआ। कुछ दिन पहले ही जब इस फिल्म का ट्रेलर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज किया गया, तो लोगों का प्यार ही था। जब रिलीज होते ही ट्रेलर को लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया कि एक सप्ताह तक फिल्म का ट्रेलर ट्रेंडिंग में बना रहा। साथ ही दर्शकों से मिले इस प्यार को पाकर खेसारी की बेटी कीर्ति भी बेहद खुश थी, क्योंकि खेसारी ने ये कहा था कि ये फिल्म मेरी नहीं बल्कि मेरी बेटी की फिल्म है। लेकिन ये बड़ी दुखद खबर है कि इतने लाख लोगों के व्यूज और प्यार मिलने के बाद फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म का ट्रेलर इसलिए डिलीट किया गया है क्योंकि इस फिल्म में खेसारी का गाना जवानी लेके भाग जाई कौवा पर कॉपीराइट क्लेम किया गया है, क्योंकि ये गाना पहले भी कोई सिंगर गा चुका है और इसी गाने को खेसारी ने अपनी आवाज में इस फिल्म में यूज किया, इसलिए खेसारी के इस फिल्म का ट्रेलर डिलीट करना पड़ा है।
तो देखना आगे चलकर दिलचस्प होने वाला है कि क्या खेसारी की इस फिल्म का ट्रेलर दोबारा रिलीज किया जाएगा या फिर सीधे अब फिल्म ही सिनेमाघरों में देखने को मिलेंगी या नहीं। भोजपुरी के सुपरहिट विलेन अवधेश मिश्रा अभी तक आपको कई सेट्स में फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन एक समय पर अवधेश मिश्रा सिर्फ और सिर्फ विलेन का किरदार ही निभाते थे। लोग अक्सर फिल्म की कहानी को सीरियस लेकर भी देखते हैं और यही कारण है कि अवधेश की छवि लोगों के नजरों में नकारात्मक बनी हुई थी। अवधेश जहां अपनी फिल्म का प्रमोशन के लिए जाते, दर्शक सीरियस होकर असलियत का विलेन समझकर उन्हें गाली दिया करते थे। एक बार अवधेश मिश्रा ने अपने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा भी था कि मैं फिल्म प्रमोशन के लिए जब बिहार गया तो वहां की कुछ औरतों ने मुझे चप्पल से पीटा और थूक भी फेंका था, लेकिन मेहंदी लगा के रखने के बाद से मैंने लोगों के दिलों में और नजरों में अपनी छवि बदल ली है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल की भोजपुरी फिल्म दबंग सरकार की शूटिंग हाल ही में पूरी हुई है और रिलीजिंग से पहले ही काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। ऐसा सुनने में आया है कि ये फिल्म भारी रकम के साथ बनाई गई है। दबंग सरकार संगीत और सैटेलाइट राइट यशी म्यूजिक ने भारी रकम में खरीदा है। ये जानकारी फिल्म के निर्देशक योगेश राज मिश्रा ने दी। उन्होंने कहा कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव फिल्म दबंग सरकार एक अलग जोनर की फिल्म है जिसके संवाद, डायलॉग्स, कॉस्ट्यूम, गीत संगीत, आर्ट फाइट आदि पर काफी बारीकियों से काम किया जा रहा है। फिल्म का टीजर जल्द ही यशी म्यूजिक से रिलीज किया जाएगा। फिल्म में खेसारी लाल यादव के अपोजिट दो नई अभिनेत्रियां नजर आएंगी। इनमें एक है आकांक्षा अवस्थी और दूसरी है दीपिका त्रिपाठी। दोनों कमाल की एक्ट्रेस हैं और उम्मीद करते हैं कि ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी खेसारी लाल यादव के साथ खूब जमेगी और दर्शकों को पसंद आएगी। भोजपुरी फिल्मों की जुबली जोड़ी निरहुआ और राम रूपाली अपनी फिल्म निरहुआ चलल अमेरिका की शूटिंग छत्तीसगढ़ में कर रहे थे, लेकिन फिर भी शूटिंग से समय निकाल कर अचानक से ये जोड़ी पहुंची है नेपाल के मंदिर, जहां निरहुआ प्रोडक्शन हाउस के कुछ लोग दिखाई दिए तो वहीं दूसरी तरफ निरहुआ आम्रपाली एक साथ काफी खुश दिखाई दिए। बिना मेकअप के आम्रपाली नजर आईं, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो बीमार हैं या फिर काफी थकी हुई हैं। लेकिन घूमना आम्रपाली को पसंद है, इसलिए वो जाने से पहले हंसती हुई दिखाई दी। तो देखा आपने कि किस तरीके से इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री तक, भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर आप सभी के सुपरस्टार छाए हुए हैं, आप सभी के दर्शक, आप सभी के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो अपनी फिल्म को लेकर, अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। चलिए आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, अब बात करते हैं दर्शकों की। दर्शकों में हमारे पास मैसेज है अमनदीप कुमार का, जिन्होंने लिखा है आपका प्रोग्राम बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और पसंद किया। वहीं पर अमनदीप का है एक बार लाइव आने चाहिए दोनों को एक साथ, यानी कि ये चाहते हैं कि पवन और अक्षय एक बार फिर से लाइव आना चाहते हैं। वैसे अमनदीप जी आपने नाम नहीं लिखा है, तो अगर जो नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट करनी हो तो आप नाम के साथ लिखें कि आखिरकार किसे आप लाइव देखना चाहते हैं, तो हमें आसानी होगी आप सभी को बताने में या आपके स्टार तक ये जानकारी पहुँचाने में। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, ऐसे ही कमेंट, लाइक और शेयर करते रहिएगा और बताते रहिएगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल आज के भोजपुरिया टॉप 5 में इतना ही, मैं कल आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगे आपका खास पसंदीदा ये प्रोग्राम। तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।